Hey guys, my amazing Kishore, and I welcome you back on our channel Mission CP4. So today we will be discussing the last chapter of this 9th class NCERT physics part. That is chapter 12, and the chapter name is sound. So the word sound is in itself is very beautiful. You know, without sound, life, how life will act, how the world will feel, and आपको आसपास का जब कुछ पता नहीं लगेगा कि चीजें कैसे साउंड प्रोड्यूस करती हैं, तब तक आपको पता नहीं लगेगा कि हाउ मच दिस वर्ल्ड इज ब्यूटीफुल. एंड बिसाइड दिस, साउंड इज ऑल्सो क्रिटिकल इन नेचर. साउंड से आपको क्रिटिसिज्म को पता लगता है. तो ये अपने आप में बहुत बहुत ही यूनिक एंड बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है जो इस मतलब हमें इस वर्ल्ड के साथ मिली है. तो ये साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं. तो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, सो लेट्स स्टार्ट विद द मोटिवेशनल कोट. टुमारो इज टू लेट, यस्टरडे इज ओवर, एंड नाउ इज एग्जैक्टली द राइट मोमेंट टू स्टार्ट. देखिए, बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर मोटिवेशनल कोट था ये. कल का वेट मत करिए, कल तो आएगा, और आपका बीता वो खुल जा चुका है. सिर्फ आपके पास आज का मौका है स्टार्ट करने का, तो आज ही स्टार्ट करिए. कुछ स्टार्ट करने को तो रुकिए मत. जो आपके पास मोमेंट है, टाइम बचा हुआ है, उसको अच्छे से कैपिटलाइज करिए. ठीक है, डोंट स्टॉप फॉर एनीथिंग, लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक. तो देखिए, साउंड, आप लोग साउंड सुनते हो, ये साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है? साउंड प्रोड्यूस होता है वाइब्रेशन कैसे. ठीक है, जब भी कभी वाइब्रेशन होती है कहीं पे, तो साउंड प्रोड्यूस होता है. अब देखिए, वाइब्रेशन होने से, जब भी वाइब्रेशन होती है, तो मान लीजिए कि एयर के अंदर ये पार्टिकल्स हैं. ठीक है, यहाँ आपने मान लीजिए कुछ बोला या क्लैप किया. ठीक है, तो जो आपने बोला या क्लैप किया, उसमें से एनर्जी ब्लो हुई है. वो एनर्जी क्या करेगी, इन पार्टिकल्स को आगे लेके जाएगी. ठीक है, जैसे ही पार्टिकल्स आगे जाएंगे, यहाँ से मान लीजिए वो यहाँ पहुंचे. ठीक है, तो ये सारे पार्टिकल्स अब यहाँ पर पहुंच चुके हैं. जब वो यहाँ पहुंच गए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ पर हाई प्रेशर जोन क्रिएट हो जाएगा. ठीक है, फिर वो पार्टिकल यहाँ पे जब आ जाएंगे, ठीक है, तो उनको फिर से एनर्जी मिलेगी. जब एनर्जी मिलेगी, तो यहाँ से और आगे जाएंगे. जब वो यहाँ से यहाँ पहुंच जाएंगे, तो यहाँ पे फिर से लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे हाई प्रेशर जोन क्रिएट हो जाएगा. तो साउंड क्या करेगा, ऐसे ऑक्सीलेट करके आगे बढ़ता जाएगा, और आगे बढ़ते बढ़ते जो उसका फाइनल डेस्टिनेशन है, जहाँ उसको पहुंचना है, वहां तक ही पहुंच जाएगा. ठीक है, तो पहली बात, साउंड ऑक्सीलेट करके आगे जाता है. दूसरा, साउंड कैसे आगे चलता है, वाइब्रेशन के थ्रू. और साउंड के जो पार्टिकल्स होते हैं, वो जब भी मूव करते हैं, तो जहाँ से वो मूव करते हैं, जहाँ आगे आते हैं, ठीक है, वहाँ हाई प्रेशर जोन बना देते हैं, और जहाँ से आते हैं वो, वहाँ पे लो प्रेशर जोन बना देते हैं. जो हाई प्रेशर जोन होता है, उसे बोलते हैं हम कंप्रेशंस. ठीक है, कंप्रेस करना मतलब किसी को प्रेस करना. तो जब प्रेस करोगे, तो आप प्रेशर क्रिएट होगा. ठीक है, और जहाँ वो पहले प्रेजेंट रहते हैं, वहां पे जैसे वहां से आगे जाते हैं, तो वहां पे लो प्रेशर जोन बन जाता है, क्योंकि वो वहां से अब हट चुके हैं. तो जो लो प्रेशर जोन होता है, उसे बोलते हैं हम रेयरफैक्शन. ठीक है, तो कुछ साउंड की जो मूवमेंट होती है, वो कुछ इस तरह होती है, वेव वेव की फॉर्म में होती है. ठीक है, तो आप कह सकते हो कि यहाँ जब साउंड ऊपर गया, ठीक है, तो यहाँ पे इसने हाई प्रेशर क्रिएट किया. ठीक है, यहाँ साउंड का प्रेशर सबसे ज्यादा था, यहाँ साउंड का प्रेशर सबसे कम था. ठीक है, इस पार्ट को हम क्रस्ट बोलते हैं, ऊपर वाले को, नीचे वाले को हम ट्रफ बोलते हैं. ठीक है, अभी के लिए मैं आपको इतना बताता हूँ, बाकी आगे चलते हैं. देखिए, सबसे पहली बात, ये साउंड एक मैकेनिकल वेव है. ठीक है, मैकेनिकल वेव क्या होती है, इनको अपने प्रोपोगेशन के लिए हमेशा कोई मीडियम की जरूरत होती है, और अपनी वो जो एनर्जी होती है, वो एनर्जी को आगे ट्रांसफर करते चलती है. मतलब जैसे कि मान लीजिए ये वेव है. ठीक है, तो यहाँ से जब वो आगे जाएगी, तो अपनी एनर्जी को आगे लेके जाएगी, ना कि पार्टिकल्स को. ठीक है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैकेनिकल वेव्स. ठीक है, और ये कभी वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती. ठीक है, वैक्यूम मतलब जहाँ पर कोई पार्टिकल ना हो, उनको आगे लेके जाने वाला. ठीक है, जैसे मैंने देखो पहला बताया आपको, यहाँ पर क्या आपने क्लैप किया है, कुछ बोला, तो यहाँ पार्टिकल्स प्रेजेंट थे, वो आपकी
आपकी साउंड को आगे लेके गई। ठीक है, अगर यहाँ पार्टिकल्स नहीं होते तो ये आगे नहीं बढ़ पाता। ठीक है, तो साउंड को हमेशा क्या चाहिए, एक मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए, वो वैक्यूम में या खाली जगह में कभी ट्रैवल नहीं कर सकता। ठीक है, देखिए मैंने आपको कंप्रेशन बताया था, कंप्रेशन होता है रीजन ऑफ हाई प्रेशर, रेयरफैक्शन होता है रीजन ऑफ लो प्रेशर। ठीक है, साउंड वेव्स होती है लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर। लॉन्गिट्यूडनल कैसे होती है वेव्स? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, जब के पार्टिकल्स होते हैं उनका जो मोशन होता है वो हमेशा कैसा होता है, पैरेलल होता है। किसके पैरेलल होता है? आपकी वेव की प्रोपोगेशन की। अगर मान लीजिए आपकी वेव इस डायरेक्शन में चल रही है तो पार्टिकल भी आपकी इसी डायरेक्शन में आपको आपको मिलेंगे पैरेलल। ठीक है, इसके अलावा एक और वेव होती है जिसे कहते हैं हम ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है कि आपकी जो वेव चल रही है, ठीक है, इस वेव के हमेशा आपको क्या मिलेंगे, परपेंडिकुलर मिलेंगे पार्टिकल्स। ठीक है, ये अगर वेव है तो पार्टिकल आपको यहाँ मिलेंगे, परपेंडिकुलर मिलेंगे इसके। ठीक है, तो दिस इज ट्रांसवर्स वेव एंड दिस इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो साउंड की वेव कैसे होती है? लॉन्गिट्यूडनल नेचर होती है, क्योंकि देखिए हमने से पहले पढ़ा था वेव के साथ साथ पार्टिकल्स आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, पार्टिकल्स आगे बढ़ते आ रहे हैं, यहाँ देखिए कंप्रेशन करा उन्होंने, यहाँ फिर रेयरफैक्शन करा, यहाँ कंप्रेशन, नीचे रेयरफैक्शन। ठीक है, तो ऐसे करके वो आगे बढ़ते थे। तो साउंड वेव्स कैसे होती है? लॉन्गिट्यूडनल नेचर होती है। ठीक है, अब देखिए हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे साउंड की वेव्स का। देखिए मैंने आपको बताया था जहां पे कंप्रेशन होता है वहां पे हाई प्रेशर जोन होता है, तो जहां पे हाई प्रेशर होगा वहां पे डेंसिटी ज्यादा होगी, जहां पे लो प्रेशर होगा वहां पे डेंसिटी कम होगी। ठीक है, अब देखिए ये चीज खत्म हो जाती है, उसके बाद आती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब देखिए, फ्रीक्वेंसी से आप फ्रीक्वेंट कर करें, फ्रीक्वेंट मतलब कोई चीज़ कितनी जल्दी हो रही है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब यही होता है कि एक वेव वापस से खुद को कितनी जल्दी रिपीट कर रही है। देखिए हमने फ्रीक्वेंसी का मतलब जो मैंने वो बताया, फ्रीक्वेंसी मतलब वेव कितनी जल्दी खुद को रिपीट कर रही है। ठीक है, तो जैसे देखिए ये मैंने आपको बताया एक क्रस्ट है जो इसका वेव का अपर पार्ट है, जो नीचे वाला ट्रफ है। ठीक है, तो क्रस्ट से क्रस्ट आने में वापस कितना टाइम लगा, या फिर आप कह सकते हो कि वेव ऑक्सीलेट करती है। ठीक है, तो एक ऑक्सीलेशन में जितना उसको टाइम लगा वो उसकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम पीरियड की। जैसे देखिए ये फ्रीक्वेंसी है, टाइम पीरियड होता है एक वेव को कितना टाइम लगा ऑक्सीलेट करने में, एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने में जितना उसको टाइम लगा वो उसका टाइम पीरियड कहलाता है। ठीक है, तो देखिए अगर टाइम पीरियड ज्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। ठीक है, मतलब जैसे देखिए अगर एक वेव ज्यादा टाइम लगा रही है एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने में, तो वो रिपीट भी लेट लेट करेगी। ठीक है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी 1 सेकंड के अंदर। मान लीजिए एक एक वेव है जो कि कुछ इस तरीके से चल रही है। ठीक है, तो 1 सेकंड में मान लीजिए वो इतनी चल गई, तो उसने एक दो तीन चार वेव बना ली। ठीक है, तो मतलब क्या है, उसमें उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि वो 1 सेकंड के अंदर इतने ज्यादा ऑक्सीडेट कर रही है। और वहीं पे मान लीजिए एक वेव है, उसने 1 सेकंड में सिर्फ इतना ट्रेवल किया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उसका टाइम पीरियड बढ़ गया, एक ऑक्सीडेशन करने में उसने ज्यादा टाइम लगा दिया, तो ज्यादा टाइम लगा दिया फ्रीक्वेंसी कम हो गई। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। देखिए नेक्स्ट थिंग आती है पिच। आपने देखा होगा देखिए कि दो आप इंस्ट्रूमेंट ले लीजिए, मान लीजिए एक वुडन टेबल है। ठीक है, और साथ ही साथ आप ले लीजिए दो दो वुडन टेबल ले लीजिए, अगर उनका मटेरियल डिफरेंट है ना प्रोड्यूस जिससे प्रोड्यूस हुए हो। आप देखिए दोनों को जब आप बीट करोगे तो दोनों में से अलग अलग साउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, यह एक तबला और एक वुडन टेबल ले लीजिए, दोनों में से उनमें से अलग साउंड प्रोड्यूस होगा। ये साउंड किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है? ये साउंड एक साउंड की प्रॉपर्टी होती है जिसे हम बोलते हैं पिच। ठीक है,
उसकी वजह से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब देखिए हमारा जो ब्रेन है वो हर साउंड को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करता है डिपेंडिंग ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव रिसीव्ड। ठीक है, जैसे फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होती है, फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा है ठीक है तो उससे अलग साउंड प्रोड्यूस होगा, फ्रीक्वेंसी कम है तो उससे अलग साउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो उसी चीज को हम पिच बोलते हैं। ठीक है, कि साउंड का पिच कैसा है, पिच कैसा होगा उसका, उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर बेस्ड होगा, फ्रीक्वेंसी पे ही पिच डिपेंड करता है। ठीक है, अगर हाई फ्रीक्वेंसी है तो हाई पिच होगा, ठीक है, और अगर लो फ्रीक्वेंसी है तो पिच लो होगा। ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी पे साउंड में जल्दी सुनाई देगा, लो फ्रीक्वेंसी पे हमें साउंड धीरे सुनाई देगा। ठीक है, मतलब स्लो स्लो चलता हुआ सुनाई देगा हमको। अब देखिए नेक्स्ट थिंग आती है एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड क्या होता है कि कितनी हाई से हाई डिस्टरबेंस हुई है एक वेव के अंदर, उसे हम उसका एम्पलीट्यूड कहते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए मैंने आपको बताया, ओके यहाँ नहीं, आप यहाँ देख लीजिए। जैसे देखिए ये इसकी डिस्टरबेंस है, मतलब कितनी बड़ी वेव प्रोड्यूस किसने। ठीक है, तो जितनी बड़ी इसने वेव प्रोड्यूस की है वो उसका क्या एम्पलीट्यूड है, मतलब कि ये मान लीजिए ये पैरेलल है। ठीक है, और यहां से लेके यहां तक इसने वेव की जो हाइट है वो अचीव करी है, जो जितनी वेव की हाइट ज्यादा ऊंची जाएगी साउंड उतना ही ऊंचा प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो लाउडर द एम्पलीट्यूड लाउडर द वेव। ठीक है, जितना क्रस्ट बड़ा होगा, जितना क्रस्ट ऊंचा होगा ठीक है उतनी लाउड वेव होगी। तो एम्पलीट्यूड और लाउडनेस दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अगर वेव छोटी होगी मतलब ऊंची कम होगी तो फिर उसका साउंड सॉफ्ट होगा, या फिर आप कह सकते हो थोड़ा लाउड नहीं होगा, थोड़ा आपको वीक साउंड मिलेगा। ठीक है, तो लाउडनेस एंड एम्पलीट्यूड आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा तो लाउडनेस ज्यादा होगी, लाउडनेस कम होगी तो एम्पलीट्यूड भी कम होगा। ठीक है, इस चीज का याद रखिएगा आप। अब नेक्स्ट थिंग आती है वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है कि एक वेव की एक क्रस्ट से क्रस्ट तक कितनी लेंथ है। ठीक है, जैसे देखिए आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ देखिए ये वेव क्रस्ट और ये क्रस्ट, इस क्रस्ट से यहाँ तक इस क्रस्ट तक लेंथ ज्यादा है, और यहाँ देखिए इस क्रस्ट से इस क्रस्ट तक लेंथ कम है। ठीक है, पर देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम मिलेगी आपको, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा मिलेगी। ठीक है, ये तो बात हो गई फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, वेवलेंथ की भी बात इन्होंने शायद करी है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, क्योंकि ये देखिए यहाँ करके। ठीक है, सो सक्सेसिव क्रस्ट के बीच में डिस्टेंस होता है उसे हम वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है, वेवलेंथ की ऐसा यूनिट मीटर होती है। ठीक है, इसे पता लगता है कि आपकी वेव कितनी लंबी है, जितनी लंबी वेव होती है साउंड उतनी दूर तक ट्रेवल करता है। ठीक है, अगर छोटी वेवलेंथ है तो साउंड ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा, और अगर वेवलेंथ लंबी है तो साउंड ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कैसा यूनिट याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी कैसा यूनिट होती है हर्ट्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एफ कैट में एसएससी के अंदर, तो आपको ये चीज याद रखनी है। देखिए इसके रिलेटेड हमने मतलब काफी पढ़ लिया, अब थोड़ा सा इसके ऊपर प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ कर देख लेते हैं, वहां से आपको आइडिया हो जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए व्हेन अ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स मूव थ्रू अ सर्टेन मीडियम, लॉन्गिट्यूडनल वेव साउंड वेव याद है ना आपको, लॉन्गिट्यूडनल वेव साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल होती है। ठीक है, मूव थ्रू अ सर्टेन मीडियम द क्वांटिटी विच इज ट्रांसमिटेड थ्रू द मीडियम इज, तो ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो ट्रांसमिट होती है। तो मैंने आपको बताया था कि जब लॉन्गिट्यूडनल वेव की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो पार्टिकल को मूव नहीं करती आगे, वो किसको मूव करती है, एनर्जी को मूव करती है। ठीक है, तो आपको बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और वहाँ मेंशनड भी था, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने आपको अंडरलाइन भी कराया था शायद। जस्ट सेकंड, देखिए देखिए यहाँ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की बात की गई। देखिए यहाँ बताया कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैसी होती हैं, वो पैरेलल होती हैं डायरेक्शन के। ठीक है, और ऑक्सीलेट करती हैं सिंपली, शायद यहाँ मेंशन नहीं है वो बात जो मैं आपको बता रहा था, तो लेट्स चेक मे बी।
देखिए, इन साउंड प्रोपोगेशन इट इज द एनर्जी ऑफ द साउंड दैट ट्रेवल्स एंड नॉट द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। ठीक है, क्या ट्रांसफर होता है? एनर्जी ट्रांसफर होती है, ना कि पार्टिकल्स ट्रांसफर होते हैं आगे। ठीक है, ये बात मैंने बताई भी थी और ऊपर शायद अंडरलाइन भी कराई थी, बट अभी ढूंढने में टाइम लगेगा तो देयरफॉर हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी या मैग्नेटिक फील्ड का इन्फ्लुएंस हो। ठीक है, तो हमने पढ़ा था साउंड वेव्स ईएम वेव्स नहीं होती। वो कैसी होती है? किस किस नेचर की होती है साउंड वेव्स? साउंड वेव्स होती है मैकेनिकल वेव। आपको मैंने पहले बताया था कि साउंड वेव्स मैकेनिकल वेव्स होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे साउंड वेव का ऑप्शन दे रखा है इन्होंने कि साउंड वेव्स कौन ऐसी कौन सी वेव जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं होती। तो साउंड वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं होती क्योंकि वो क्या होती है? वो आपकी मैकेनिकल वेव्स होती है। ठीक है, तो ये भी आपका सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए आगे चलते हैं। देखिए, जनरली साउंड की जो प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, आपने देखा साउंड रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप एक रूम के अंदर जोर से चिल्लाओगे तो आपका जो साउंड है वो उसी की जो वॉल्स हैं उसके बीच में टकरा के रिपीट करता रहेगा। ठीक है, तो देखिए इसके ऊपर भी सिंपल क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना कैन नॉट बी एग्जिबिटेड बाय साउंड वेव्स। तो देखिए, साउंड वेव में रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है। रिफ्लेक्शन आपको ऑप्टिक्स में आगे मैं पढ़ाऊंगा। रिफ्लेक्शन होता है कि जब कभी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर हो जाती है वेव्स का। इंटरफेरेंस भी पढ़ाऊंगा आपको मैं। इंटरफेरेंस क्या होता है? पोलराइजेशन, देखिए ये कैसी प्रॉपर्टी है जो साउंड की नहीं होती है। पोलराइजेशन मतलब क्या होता है? जो आपकी क्या नाम है, आपके जो लाइट वेव्स होती है, ठीक है, ये पोलराइज होती है। पोलराइजेशन में क्या होता है? हम उसमें क्या करते हैं, हम उसमें सिंगल प्लेन में या फिर आप कह सकते हो सिंगल डायरेक्शन में हम किसी वेव को ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, तो एक ही प्लेन में जो साउंड वेव वो प्रोपगेट करेगी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हम साउंड के अंदर नहीं करा साउंड के अंदर नहीं करा सकते। ये लाइट वेव्स के अंदर जनरली होती है। ठीक है, हम लाइट लाइट वेव्स को पोलराइज कराते हैं क्योंकि लाइट वेव्स पहले इनिशियली अनपोलराइज होती हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्योंकि साउंड के अंदर पोलराइजेशन नहीं होता। साउंड के अंदर बाकी तीन प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, देखिए स्टेटमेंट क्वेश्चन है, साउंड वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। ठीक है, साउंड वेव वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है। तो हमने ये पढ़ा था कि साउंड वेव वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकते, साउंड को हमेशा मीडियम चाहिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग हो गई। सेकंड स्टेटमेंट है, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। ठीक है, लाइट एक ईएम वेव है और वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है, तो ये ऑप्शन सही है। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का प्रोपोगेशन होता है और साथ ही साथ वो वैक्यूम में से भी ट्रेवल कर सकती है। देखिए, ये भी पढ़ा था हमने भी, द प्रॉपर्टी ऑफ द साउंड साउंड वेव्स दैट डिटरमाइन द पिच ऑफ द साउंड। ठीक है, देखिए सीरियस वन 2020 में आ रखा है, बहुत रिसेंट क्वेश्चन है, इसी साल पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि हम जो पढ़ा रहे हैं आपको किस तरह से वो चीज पूछी जाती है। प्रॉपर्टी ऑफ द साउंड वेव्स दैट डिटरमाइन्स द पिच ऑफ द साउंड, हमने भी पढ़ा था कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो पिच को डिटरमाइन करती है। हमने पढ़ा था ना कि अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो ज्यादा पिच, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो कम पिच। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका वैसे ही है, कहता है कि साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वो। ठीक, इनमें से किसमें से साउंड वेव ट्रेवल नहीं कर सकते? एक कॉपर वायर प्लेस्ड इन एयर, तो एयर के अंदर देखिए पार्टिकल्स होते हैं जो साउंड वेव को आगे ले लेके जा सकते हैं। सिल्वर स्लैब प्लेस इन एयर, अगेन एयर पार्टिकल्स लेके जा सकते हैं। ग्लास प्रिज्म प्लेस इन वाटर, तो वाटर के अंदर ही पार्टिकल्स होते हैं जो साउंड वेव्स को आगे लेके जा सकते हैं। वुडन हॉलो पाइप प्लेस्ड इन वैक्यूम, तो देखिए वैक्यूम के बाद जहाँ आ गई वहाँ साउंड वेव नहीं प्रोपोगेट कर सकती, साउंड वेव को हमेशा एक मीडियम चाहिए। देखिए आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट थिंग आती है, नेक्स्ट थिंग आती है सोनिक बूम। सोनिक बूम क्या होता है? देखिए आपको पता है कि साउंड है वो जनरली 344 मीटर पर सेकंड की स्पीड से प्रोपेगेट करता है। ये साउंड की स्पीड है। ठीक है,
है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट साउंड की स्पीड से या फिर साउंड की स्पीड से ज्यादा ट्रेवल करता है, ठीक है, तब हम उसे बोलते हैं कि वो सुपरसोनिक स्पीड पे ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो जनरली बुलेट्स, जेट एयरक्राफ्ट, वो सुपरसोनिक स्पीड पे ट्रेवल करते हैं। जब वो स्पीड पे ट्रेवल करते हैं तो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और वो साउंड इतना ज्यादा मतलब डिस्टर्बिंग होता है, इतना ज्यादा हाई होता है कि उससे शॉक वेव्स प्रोड्यूस होती है एयर के अंदर, और वो शॉक वेव्स बहुत एनर्जी कैरी करती है अपने अंदर, ठीक है, क्योंकि हाई साउंड होता है उसकी वजह से। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो लाउड और शार्प वेव्स होती हैं, ठीक है, ये इनके अंदर एनर्जी बहुत हाई होती है और ये बहुत शार्प और लाउड वेव्स होती हैं, ठीक है। इसी फिनोमेना को हम सोनिक बूम बोलते हैं, क्यों, जो उनके अंदर से वेव्स निकलती हैं वो जो साउंड प्रोड्यूस करती हैं हैवी हैवी और शार्प, ठीक है, उसे सोनिक बूम बोलते हैं। इससे कभी कभार जो ग्लास विंडोज होती हैं वो गिर जाती हैं, कभी बिल्डिंग भी डैमेज हो सकती हैं, ठीक है, क्योंकि ये साउंड बहुत हैवी होता है। तो इसीलिए ज्यादातर बताया जाता है कि मतलब बोला जाता है कि जहाँ भी सुपरसोनिक साउंड की स्पीड से कोई चीज का वर्क करना है, एप्लीकेशन करानी है, उसको ऐसी जगह कराओ जहाँ पे आसपास कोई पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट थिंग है रिफ्लेक्शन साउंड। मैंने आपको बता दिया था साउंड रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे इन्होंने फिनोमेना दे रखा है कि क्लॉक थी, क्लॉक को इस हॉलो पाइप के अंदर से, क्लॉक का साउंड हॉलो पाइप के अंदर से गया, यहाँ से रिफ्लेक्ट किया और फिर वापस एयर की तरफ आ गया। तो साउंड रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला, सॉरी रिफ्लेक्शन का जो फिनोमेना है वो फॉलो करता है जिस एंगल पे साउंड साउंड होता है, ठीक है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होता है साउंड का वो वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, दोनों इक्वल होते हैं एंगल्स। नेक्स्ट थिंग आती है एको। एको क्या होता है? एको होता है रिपीटेशन ऑफ साउंड, ठीक है। साउंड कैसे रिपीट हो रहा है, जैसे आपने देखा होगा कि आप कभी माउंटेन्स में गए हो तो आप कुछ बोलते हो तो साउंड आपका वापस आता है, ठीक है, या फिर किसी आप देखो बड़ी बिल्डिंग होती है, ठीक है, जहाँ पे आप जाओ तो उसके पास से चिल्लाओ तो साउंड रिपीट होता है आपका, ठीक है। ठीक है, तो इसी चीज को हम एको बोलते हैं। अब देखो ये जो एको होता है ये याद रखिएगा कि हमारे एयर के अंदर, सॉरी ब्रेन के अंदर कितनी देर के लिए रहता है, 0.1 सेकंड के लिए एको रहता है, ठीक है। तो अगर हमें एको सुनना है, ठीक है, तो ओरिजिनल साउंड और जो रिफ्लेक्टेड साउंड है उनके बीच में कम से कम कितना डिफरेंस होना चाहिए, 0.1 सेकंड का। अगर इससे कम होता है तो हमें एको नहीं सुनाई देगा, ठीक है। अगर इतना दोनों के बीच में डिफरेंस होता है, ओरिजिनल साउंड मतलब जिसने बोला और जब साउंड रिफ्लेक्ट होकर आया, ठीक है, अगर 0.1 सेकंड से कम होता है तो नहीं सुनाई देगा, 0.1 सेकंड होता है या फिर थोड़ा सा ज्यादा होता है तो हमें सुनाई देगा। हम जनरली मान के चलते हैं कि साउंड की स्पीड 344 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, और एको करने के लिए 0.1 सेकंड का टाइम चाहिए, ठीक है। तो 344 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 0.1 सेकंड में जो साउंड ट्रेवल करेगा वो ट्रेवल करेगा 34.4 मीटर, मतलब कि ये आपको मान लीजिए ये आपका ओरिजिनल साउंड का, यहाँ से एक सामने मान लीजिए टॉल बिल्डिंग थी, ठीक है, यहाँ साउंड गया, यहाँ से रिफ्लेक्ट किया, रिफ्लेक्ट करके वापस आया, मतलब कि साउंड ने 34.4 मीटर ट्रेवल किया 0.1 सेकंड में, ठीक है, मतलब कि यहाँ से गया और आया, ठीक है, आने जाने में कितना ट्रेवल किया इसने, 34.4 मीटर, ठीक है। तो आप देखिए ये आना प्लस जाना 34.4 मीटर है, ठीक है। तो अगर मैं एक साइड का मतलब मेजर करना चाहूँ कितना होता है तो एक साइड का इसका हाफ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस तो दोनों के बीच में इक्वल है ना, यहाँ से और यहाँ तक डिस्टेंस आने का और जाने का इक्वल ही है, ठीक है, तो मैंने हाफ कर दिया तो 34.4 का हाफ कितना होता है, 17.2। तो यहाँ से हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन क्या आती है कि साउंड को रिफ्लेक्ट साउंड का एको सुनने के लिए जो मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए ओरिजिन में और जहाँ पे डेस्टिनेशन है उसकी वो कितना होना चाहिए, 17.2 होना चाहिए, ठीक है, इससे कम पे साउंड का एको हमें नहीं सुनाई देता। अब देखिए नेक्स्ट थिंग आती है रिवर्वेशन। रिवर्वेशन क्या होता है? देखिए एको होता है साउंड का रिपीट होना, रिवर्वेशन होता है साउंड का गूंजना, जैसे आपने देखा हो हॉल्स के अंदर, ठीक है, या ऐसी बिल्डिंग जिसके अंदर जो सीलिंग होती है मतलब जो छत होती है आपके रूम की, अगर छत बहुत ऊंची है तो आपको रिवर्वेशन सुनाई देगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है, देखिए एनर्जी का लॉस होता है। क्यों लॉस होता है? क्योंकि देखिए आपका साउंड ना बार बार, जैसे आपने बोला कुछ टॉल बिल्डिंग के अंदर, ठीक है, तो आपका साउंड गूंजता रहेगा बार बार, ठीक है, तो एनर्जी का लॉस होगा, ठीक है, और इससे हो सकता है कि आपकी जो व्हील सीलिंग से या फिर वॉल से, ठीक है, मल्टीपल रिवर्वेशन के बाद वो वीक हो जाए, ठीक है। तो क्या होता है, इसी चीज को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम साउंड प्रूफिंग कराते हैं, ठीक है, वॉल्स की, रूफ्स की। ये देखिए आप
कॉन्सेप्ट्स को अपने क्लियर करके रखिए, क्योंकि देखिए आप देख रहे हो कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हमने अभी तक बहुत सारे क्वेश्चंस हम 11 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, उसमें मैंने आपको हर हर चैप्टर में ये बताया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कि आपसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। एको रिवर्बेशन क्या होता है, एको साउंड का रिपीटेशन, रिवर्बेशन साउंड का पूछना, ठीक है। अब देखिए रेवर्बेशन को हम मतलब ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, साउंड प्रूफिंग करते हैं या फिर साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि प्लास्टर हो गया, ड्रेपरीज हो गया, ठीक है, ये सब चीजें यूज की जाती है। जैसे हॉल्स के अंदर आपने देखा होगा जो सिनेमा हॉल्स हैं उसके अंदर हम साउंड प्रूफिंग करते हैं, नहीं तो अगर साउंड प्रूफिंग ना करें तो उनकी सीलिंग्स इतनी ऊंची है कि रेवर्बेशन नहीं होता रहेगा और आप जो एक्चुअल साउंड हो सुन ही नहीं पाओगे। तो देखिए ये आपका हो गया एको का क्वेश्चन। एको, अब आपको मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ एको के ऊपर। देखिए अ पर्सन रिंग्स अ मेटेलिक बेल नियर अ स्ट्रॉन्ग कंक्रीट वॉल, ही हियर्स द एको आफ्टर 0.3 सेकंड। इफ द साउंड वेव्स मूव विद द स्पीड ऑफ 340 मीटर पर सेकंड, हाउ फार इज द वॉल फ्रॉम हिम। ठीक है, क्वेश्चन को समझिएगा पहले जल्दी से, फिर हम आगे करेंगे। मैं थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर देता हूँ आपके पास। देखिए इसने मैं बोला कि एक पर्सन है, ठीक है, वो पर्सन कुछ एक्टिविटी करता है, क्या करता है, बैल को रिंग करता है, ठीक है, और वो बैल कहाँ पर है, एक कॉन्क्रीट वॉल के पास है, ठीक है। वो उसको एको सुनाई देता है, जैसे मान लीजिए यहाँ उसने बैल को रिंग किया, ठीक है, और उसके पास ही कॉन्क्रीट वॉल है, ठीक है, जो उसको एको सुनाई दिया, वो कितनी देर में सुनाई दिया, 0.3 सेकेंड्स लेटर, ठीक है। साउंड की स्पीड उसने बोला मैं 340 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। पूछा क्या उसने हमसे, उसने पूछा है हाउ फार इज द वॉल फ्रॉम यू, ठीक है, ये जो बेल है, बेल से ये कॉन्क्रीट वॉल कितना दूर है हमें ये बताना है, ठीक है। तो देखिए पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं दोनों के बीच का, डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो देखिए 0.3 सेकंड में उसका एको सुनाई दिया, ठीक है, और ये इसकी स्पीड है। तो देखिए डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो देखिए स्पीड 340 मीटर पर सेकंड और टाइम है 3.0.3 सेकंड, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आ जाएगा 0 4 to 12 करिए 1 9 एंड 10, तो 102 मीटर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। 102 मीटर हमारा यहाँ पर डिस्टेंस आ जाएगा। तो देखिए मैंने आपको बताया था एको में क्या होता है, एको में होता है कि साउंड आके फिर जा सॉरी जाके फिर आ जाता है वापस, ठीक है। तो मतलब ये जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया 0.3 सेकंड में, ये इसने डिस्टेंस किया यहाँ से एक बार यहाँ वॉल तक गया है और वॉल से फिर वापस पर्सन के पास आया है, ठीक है, मतलब इसने ड्यूल डिस्टेंस डबल डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो ये जो 102 हमारे पास आया है ये क्या है, डबल डिस्टेंस है, ठीक है, मतलब बेल से वॉल तक का, वॉल से फिर बेल तक का, पर हमें कितना चाहिए, सिर्फ बेल से वॉल तक का चाहिए, तो इस डिस्टेंस को हाफ कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस तो यहाँ पे इक्वल ही था बेल से लेके वॉल तक का, ठीक है, दोनों बार इक्वल था, उसको हाफ कर दीजिए। 102 का हाफ कितना होता है, 51 मीटर, ठीक है, ये 51 मीटर सी ऑप्शन है इसका, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा और हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखिए न्यूमेरिकल्स इनके इजी हैं, काफी इजी है, बस फॉर्मूले आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और फॉर्मूले सबको याद होने चाहिए, फॉर्मूला तो चलो इसमें खैर कोई खास लगा नहीं। अब देखो आता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन, जैसे देखो मैंने बताया आपको कि हॉल्स के अंदर जैसे ये देखिए ये मान लीजिए एक हॉल है और इसके अंदर क्या है, इन्होंने मल्टीपल रिफ्लेक्शन की, मल्टीपल रिफ्लेक्शन इस वे में की इन्होंने कि जो साउंड है बार बार रिफ्लेक्ट होके आए, पर रिफ्लेक्ट होके सिर्फ जो ऑडियंस है सिर्फ उनके पास जाए, वो एक बार रिफ्लेक्ट होके दूसरी बार वॉल पर रिफ्लेक्ट ना हो, ठीक है। जैसे
देखो आपने मेगाफोन सुने, जो लाउड स्पीकर होते हैं, हॉर्न्स होते हैं, ठीक है। इनका काम क्या होता है, ये भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन पर काम करते हैं। इनके अंदर साउंड क्या करता है, मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्ट करने से क्या होता है कि साउंड का जो एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज होता है। और हमने पढ़ा था कि जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज्यादा लाउडनेस होगी। देखिए स्टेथोस्कोप है जैसे, ठीक है, एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है। जैसे आपने सुना होगा कि डॉक्टर्स आपके लेफ्ट साइड में स्टेथोस्कोप को रख के सुनते हैं, हार्ट बीट को सुनते हैं, ठीक है, जिससे उनको क्या पता लग पाता है कि आपकी जो हार्ट बीट है वो नॉर्मल है या नहीं, ठीक है, हार्ट रेट क्या चल रहा है आपका, ठीक है। तो ये कौन सी एप्लीकेशन यूज करता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन। तो देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा आपको उसके ऊपर। द स्टेथोस्कोप यूज्ड बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर इज बेस्ड ऑन द फिनोमेना ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। देखिए अभी बताया मैंने आपको, ठीक है, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट यूज के लोग यूज करते हैं और मल्टीपल रिफ्लेक्शन पे, ये देखिए मल्टीपल रिफ्लेक्शन पे चलता है, ठीक है। तो देखिए कितने डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी से। अब देखिए क्या हम सारे साउंड सुन सकते हैं, नहीं, ठीक है, हम सिर्फ वही साउंड सुन सकते हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक हो, ठीक है। ये हेयरिंग रेंज है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है कई बार कि हेयरिंग रेंज क्या है हमारी, ठीक है, तो हमारी हेयरिंग रेंज कितनी है, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है। इससे कम साउंड हमें सुनाई नहीं देगा, इससे ज्यादा साउंड हमें सुनाई नहीं देगा, ठीक है। जो इससे कम साउंड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, देखिए साउंड ऑफ फ्रिक्वेंसीज बिलो 20 हर्ट्ज इज नोन एज इंफ्रासोनिक, ठीक है, और इससे जो ज्यादा होगा साउंड हायर देन 20,000 हर्ट्ज इज नोन एज अल्ट्रासोनिक साउंड, ठीक है। देखिए इस पे भी डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आ रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, साउंड वेव्स इन गैसेस आर लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर। तो हमें पता है कि साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, तो ये सही है। साउंड वेव्स हैविंग फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज आर नोन एज अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो देखिए अभी हमने पढ़ा था कि जिनकी फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स की 20 हर्ट्ज से कम होती है उसे हम क्या बोलते हैं, साउंड वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज इज नोन एज इंफ्रासोनिक, ना कि अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक कौन सी होती है, जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज मतलब 20,000 हर्ट्ज के ज्यादा होती है, ठीक है। तो आपका ये बी ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है, और सॉरी मतलब बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये जो आंसर चाहिए इनको, और ये मतलब स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो देखिए इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक साउंड की बहुत एप्लीकेशंस होती हैं, यूजेस होते हैं। जैसे देखिए राइनोसोरस है, वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, इंफ्रासोनिक साउंड से। और जो अर्थक्वेक की वेव्स होती हैं, ये भी कौन सा साउंड प्रोड्यूस करती है, ये भी इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करती है। तो याद रखिएगा इंफ्रासोनिक साउंड से अर्थक्वेक कौन सी वेव्स प्रोड्यूस करती है, ठीक है। ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अर्थक्वेक से कौन सी वेव्स निकलती है। अब देखिए अल्ट्रासोनिक वेव्स, ठीक है, जिससे डॉल्फिन कम्युनिकेट करती हैं, ठीक है, बैट है, बैट भी इसके यूज से कम अपनी जो अपना जो रास्ता है वो प्रोपेगेट करता है। अब देखिए हियरिंग एड सुना होगा आपने, कई लोगों के पास होता है जिनको सुनने में दिक्कत होती है, वो क्या होता है, वो बस क्या एक मशीन होती है जो मतलब क्या करता है, साउंड वेव्स को अपनी अपने पास अब्जॉर्ब करता है, और क्या करता है उसके अंदर मशीन होती है जो साउंड को क्या करता है, एम्पलीफाई करता है, जो उसके पास साउंड आया है ना उसको एम्पलीफाई करके ब्रेन के पास पहुंचाता है हमारे, ठीक है। तो वही साउंड हमें एम्पलीफाई करना मतलब लाउड करके देता है, तो जिन लोगों को कम सुनता है उन लोगों के पास ये मशीन होती है, ठीक है, साउंड को एम्पलीफाई करके देगा मतलब ऊंचा करके देगा और उस बंदे को क्लियरली सुनाई देगा। याद रखिए क्या एप्लीकेशन होती है हेयरिंग एड में, उसकी एप्लीकेशन उसमें एप्लीकेशन होती है जो साउंड को एम्पलीफाई करता है। तो देखिए अब अल्ट्रासाउंड की हम लोग एप्लीकेशन पढ़ते हैं। देखिए आपने अल्ट्रासाउंड सुना होगा कि बॉडी का अल्ट्रासाउंड होता है, ठीक है, उसके अलावा देखिए क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए ट्यूब्स हो गए, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट हो गए, इनकी क्लीनिंग में यूज किया जाता है। इसको कैसे यूज किया जाता है कि इनको हम पहले निकालते हैं, ठीक है, पार्ट्स को, फिर एक क्लीनिंग सोल्यूशन डालते हैं और उसमें से अल्ट्रासोनिक वेव्स को हम पास करते हैं, ठीक है। अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या करती है, जो जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं या फिर ग्रीस व्रीस होता है इनको सबको क्या करता है, ड्रेन आउट कर देता है, निकाल देता है। नेक्स्ट थिंग है जो अल्ट्रासोनिक वेव्स है, हाँ सॉरी अल्ट्रासोनिक वेव्स है, उसे हम बिल्डिंग्स के अंदर क्रैक्स निकालने के लिए भी यूज करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे अल्ट्रासोनिक वेव्स को हमने पास किया, ठीक है, तो
जहां जहां उसमें क्रैक नहीं हुई वो सीधे पास कर जाएगी, ठीक है। जहां क्रैक हुआ, क्रैक होने की वजह से क्या होता है कि जो आपका, देखिए पहले तो फ्लैट था मीडियम, ठीक है, अब यहाँ पे टेढ़ा मेढ़ा हुआ, तो टेढ़ा मेढ़ा होने की वजह से क्या हो जाएगा, साउंड रिफ्लेक्ट कर जाएगा और वापस चला जाएगा, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता लग जाएगा कि यहाँ पे क्रैक है, तो अल्ट्रासोनिक वेव्स इसमें भी हेल्प करती है, गाड़ी के अंदर भी क्रैक निकालने में हेल्प करती है, कि वहां से पता लगता है कि कार्स के अंदर या फिर कोई बड़ी बड़ी व्हीकल्स उनके अंदर क्रैक है। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोकार्डियोग्राफी। जैसे कि हमने पहले पढ़ रखा है कि जहां भी कार्डियो होता है, कार्डियो का मतलब क्या होता है, इट इज रिलेटेड टू हार्ट, ठीक है। एको मतलब हमने पढ़ रखा है, एको मतलब रिपीटेशन ऑफ साउंड, और ग्राफी मतलब इमेजिंग करना। तो देखिए यहीं से हम, मैंने इसको ब्रेकआउट कर दिया, एको मतलब रिपीटेशन ऑफ साउंड, कार्डियो मतलब हार्ट, ग्राफी मतलब इमेजिंग, ठीक है। तो मतलब साउंड की इमेज प्रोड्यूस करना, कैसे प्रोड्यूस करना, एको की हेल्प से, ठीक है, साउंड की रिपीटेशन से, ठीक है, हार्ट के अंदर हार्ट हार्ट की इमेज को फॉर्म करना। तो ये इसी को हम एकोकार्डियोग्राफी कहते हैं, ठीक है। हार्ट की इमेजिंग करते हैं जिससे हमें पता लगता है हार्ट के अंदर, कभी कभार होता है ना कि मतलब किसी की होल होता है हार्ट में, तो उसको उसको पहचानने के लिए ये बहुत हेल्पफुल होता है। बाकी ह्यूमन बॉडी के अंदर इंटरनल ऑर्गन होते हैं, जैसे हम कहते हैं अल्ट्रासाउंड करना बॉडी का, ठीक है, या फिर अल्ट्रासोनोग्राफी कहते हैं, ठीक है, उसके अंदर भी बहुत हेल्पफुल होता है। तो देखिए वर्क कैसे करता है, इस टेक्निक में क्या होता है कि हम अल्ट्रासोनिक वेव को बॉडी टिश्यू के अंदर से ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, और वहां से क्या होता है कि बॉडी टिश्यू इनको रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। अब जैसे टिश्यू डेंसिटी चेंज होती है, मतलब टिश्यू डेंसिटी चेंज कैसे, मतलब मान लीजिए आपका ये टिश्यू था, यहाँ पे अल्ट्रासोनिक वेव ट्रांसफर ट्रेवल कर गई, तो एक ही यहाँ पे पर्टिकुलर डेंसिटी रहेगी। जैसे ही क्या होता है कि मान लीजिए ये डेंसिटी, मतलब सॉरी ऑर्गन की डेंसिटी चलती आ रही है, जैसे ही सडन चेंज होगा उसमें टिश्यू में, ठीक है, सडन चेंज मतलब मान लीजिए यहाँ पे कोई और चीज प्रेजेंस होगी, ठीक है, इस टिश्यू की डेंसिटी तो फिक्स्ड रहेगी, जो दूसरी चीज होगी यहाँ पे उसकी डेंसिटी अलग होगी। तो जैसे डेंसिटी का चेंज होगा इसका, ठीक है, जैसे डेंसिटी चेंज होगा तभी क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजेगा और उस ऑर्गन की इमेज बना लेगा। तो हमें वहां से पता लग जाता है कि हमारे मतलब ऑर्गन के पास कुछ और चीज प्रेजेंट तो नहीं है, फिर ऑर्गन के अंदर कोई मतलब कोई चीज खराब है या फिर कोई चीज डिफेक्टिव है, तो उससे पता लगाते हैं, ठीक है। अल्ट्रासोनोग्राफी हम किसमें यूज करते हैं, प्रेगनेंसी के टाइम पे कॉग्निकल डिफेक्ट वेन निकालने में पता करते हैं। जैसे कॉग्निकल डिफेक्ट क्या होता है, जो हार्ट के अंदर डिजीज होती है, ठीक है, उसे कॉग्निकल डिफेक्ट बोलते हैं, ठीक है, या फिर ग्रोथ एबनॉर्मलिटी, जो फिजिकल एबनॉर्मलिटीज होती है वो भी पता करने में अल्ट्रासाउंड हेल्प करता है हमारा, ठीक है। बॉडी के अंदर स्टोन्स हो जाते हैं छोटे छोटे, ठीक है, उसको भी पता करने में अल्ट्रासोनोग्राफी हेल्प करती है हमारी, ठीक है, उनको ब्रेक भी करती है और आगे निकलती भी है। तो देखिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन सुनार। सो अ क्वेश्चन ऑन दिस हैज बीन आस्क्ड इन सीएपीएफ 2018 एग्जाम, कि सुनार की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है। तो देखिए साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन था, एंड अभी मेरे पास वो क्वेश्चन नहीं अनफॉर्चुनेटली, बट आप देख सकते हो कि 2018 की जो एग्जाम था उसके अंदर ये क्वेश्चन प्रेजेंट है, ठीक है। तो देखिए इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, मतलब एप्लीकेशन क्या होती है, हम क्या करते हैं इसे हम डेप्थ नापने के लिए यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई व्हीकल, हमारे पास सॉरी व्हीकल कह रहा हूँ मैं, कोई डिवाइस हमारे पास, ठीक है, और ये हम इस आपका यहाँ से मान लीजिए ओशन स्टार्ट होता है, ठीक है, ओशन या सी या फिर वाटर का कोई लेवल है, तो ये इसका लास्ट पॉइंट है। तो यहाँ से क्या होगा, हम अल्ट्रासोनिक वेव को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, यहाँ से वेव जाएगी अंदर और जैसे ही उसको कोई चीज रिफ्लेक्ट करने को मिलेगी, फिर फाइनल सरफेस मिलेगा, तो रिफ्लेक्ट करके वो ऊपर आ जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें डिस्टेंस पता लग जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया वेव ने, ठीक है, मतलब यहाँ से नीचे से फिर ऊपर तक डिस्टेंस जितना ट्रेवल किया उसको हम हाफ कर देंगे, हाफ करके हमें पता लग जाएगा कि ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो इसको हम देखिए, जो डीपेस्ट पॉइंट होते हैं अर्थ के अंदर उनका डिस्टेंस निकालने के लिए यूज करते हैं। देखिए लास्ट थिंग आती है ह्यूमन ईयर। ह्यूमन ईयर में देखिए जो आउटर पार्ट होता है ह्यूमन ईयर का, उसे हम बोलते हैं पिना, ठीक है। ये क्या करता है, सराउंडिंग से साउंड कलेक्ट करता है, ठीक है, जो साउंड कलेक्ट किया उसने वो क्या करेगा, ऑडिटरी कैनाल से, मतलब कि कैनाल मतलब आप मान लीजिए कि रास्ता है कोई, ठीक है, उसमें से पास करेगा। जो ऑडिटरी कैनाल है, ठीक है, उसके एंड में क्या होता है, एक थिन मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है, इसे हम क्या बोलते हैं, टिम्पनिक मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है, ये यहाँ प्रेजेंट है, देखिए, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, कान
कंप्रेशंस, और जो कंप्रेशन होते हैं हाई प्रेशर वेव्स होती हैं, वो जाएंगी ई ड्रम के पास। ठीक है, वहाँ क्या होगा कि ई ड्रम से वो जितनी भी रेयरफेक्शन है और कंप्रेशंस है वो हमारे ब्रेन के अंदर पहुंचेंगी, एम्पलीफाई होगी। ठीक है, एम्पलीफाई किया जाएगा उनको। एम्पलीफाई करने के लिए 3 मॉन्स प्रेजेंट है एयर के अंदर, इसको हम बोलते हैं हैमर, एनविल और स्टिरअप। ठीक है, ये तीन छोटी छोटी बोन्स होती हैं मिडिल ईयर के अंदर प्रेजेंट होती हैं, और ये तीनों बोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हैमर, एनविल एंड स्टिरअप इनका क्या रोल है। ठीक है, मिडिल ईयर क्या करता है, जो ये एम्पलीफाइड वेव होती है उसको इनर ईयर में भेजता है, और जो इनर ईयर है वो क्या करता है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके कोकलिया के भेजता है, और कोकलिया क्या करता है इनको ब्रेन में भेजता है ऑडिटरी नर्व के थ्रू। ठीक है, ब्रेन क्या करता है बाद में इसको इंटरप्रेट करता है। ठीक है, तो चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। ठीक है, चैप्टर थोड़ा लंबा था बट बहुत इंपॉर्टेंट था। हमने देखा कि मोर देन 10 to 11 क्वेश्चन तो मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का करा दिए। ठीक है, इसी चैप्टर के ऊपर अब आपको कोई डाउट होता है तो आपको पता है क्या करना है, आपको आपको चैनल नेम पता है, चैनल का नाम है मिशन सीएपीएफ। अब ठीक है, ज्वाइन कर सकते हो कभी भी आप हमारे चैनल को। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि आपने अभी रिसेंटली सीएसी का एग्जाम हुआ। ठीक है, और इससे पहले एनडी का एग्जाम हुआ, तो एनडी की जो करंट अफेयर थे उसके अंदर मोर देन 5 to 6 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के वो हमारी जो करंट अफेयर मैगजीन है उसके अंदर से थे। ठीक है, तो करंट अफेयर मैगजीन फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस डाउनलोड करने के लिए क्या करना है आपको, चैनल को ज्वाइन ज्वाइन करना है। वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा करंट अफेयर मैगजीन का, वहाँ पे आपको मंथली कंपाइलेशन मिलेगी। जैसे देखते हैं आप विजन आईएएस की कंपाइलेशन होती है वो मोर देन 90 पेजेस की होती है। ठीक है, 90-95 पेजेस, मतलब 80 तो इनका एवरेज मान के चलिए, इतना मिलता है मिलता है। और हम क्या करते हैं, हमारी जो मंथली कंपाइलेशन है हम उसमें द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, आकाशवाणी चैनल, लोकसभा, राज्यसभा टीवी, ठीक है, एंड विजन आईएएस, इन सब का कंपाइल करके एक जगह हम डालते हैं। और जितना जरूरी है आपके लिए सीडीएस और सीएपीएफ एग्जाम के लिए और छोटे मोटे जो बाकी अदर एग्जाम्स हैं, ठीक है, उनके लिए जितना जरूरी है उतना हम पोस्ट करते हैं। और हमारी जो मैगजीन है वो लेस देन 30 पेजेस की होती है। ठीक है, एवरेज है 25 to 26 पेजेस का। तो चैप्टर खत्म हो गया, गो थ्रू दिस चैप्टर एंड फ्रॉम हेयर वी फिनिश अवर फिजिक्स पार्ट एंड वी विल बी मूविंग टू द एनवायरमेंट पार्ट फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन टेक केयर एंड कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू।